हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाइज के। आज डिस्कशन का टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो गैस है इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को पहले देखेंगे, इसके बाद इसकी फ्लेमेबल लिमिट क्या है, इसके हजार्ड्स क्या है, कितना कंसंट्रेशन पे क्या क्या हो सकता है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड अगर किसी का एक्सपोजर किसी के साथ होता है तो उसका सिम्टम क्या आता है, ताकि मालूम पड़े कि हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सपोजर इसको हुआ है। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड हजार्ड के बारे में। सबसे पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, गुणधर्म जिसको बोल सकते हैं, उस पर हम नज़र डालते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए पॉइजनस गैस, एक पॉइजनस गैस है। स्मेल एज ए रोटेन एग, और ये क्या करता है, स्मेल करता है रोटेन एग की तरह, बट किस पे करता है, लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लो है तो यहाँ पे है जो स्मेल करेगा रोटेन एग की तरह। लेकिन अगर कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन में अगर कोई पर्सन पहुँच जाता है डायरेक्ट, तो वहाँ पे रोटेन एग का स्मेल भी नहीं आएगा। तो इट इज़ वेरी डेंजर, ओनली लो कंसंट्रेशन पे इसका है, जो एक सड़े हुए अंडे की बदबू आती है। अब इसमें क्या है, एक कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है, मैंने इसमें देखिए सारे क्वालिटी क्या क्या है, पॉइजनस भी है, कोरोसिव नेचर में भी, मतलब एक साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड कलरलेस भी है, फ्लेमेबल भी है, पॉइजनस भी है, कोरोसिव भी है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में आप जानते हैं, काफी खतरनाक होता है, तो ये है हाइड्रोजन साइनाइड के बाद एक्सट्रीमली सबसे टॉक्सिक है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसका अगर कंपेरिजन करें तो इट इज 5 to 6 times मोर टॉक्सिक देन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। अब हम देखते हैं कि फ्लेमेबल लिक्विड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन किस तरह से देखी जाती है कि एयर में कितना है। लोअर अगर है 4.3% बाई वॉल्यूम इन एयर तो लोअर कंसंट्रेशन माना जाएगा, और 46% बाई वॉल्यूम इन एयर है तो ये अपर माना जाएगा। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, चूंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक है जो गैस है, तो हम कैटेगरी इसी से करते हैं कि क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या कहते हैं, एक चूंकि गैस है इसलिए इसको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर से किया गया है, ठीक है। अब हम नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन की अगर बात करें तो उसने इसे जो रेटिंग दिया हुआ है वो हेल्थ का है, 4 यानी एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट होता है, और फायर का अगर कहीं से इसको एक्सपोजर मिलता है, इग्निशन सोर्स कहीं से मिलता है, तो एक्सट्रीम फायर की संभावना यहाँ पे है, और वो है 4, तो बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इम्पैक्ट देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो हम यहाँ पे रेंज देखेंगे, इसके कंसंट्रेशन कितने हैं और इसका सिम्टम और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, उस पर हम नज़र डालते हैं। इसका ppm अगर देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन 0.01 to 1.5, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेन एग, यहाँ पे रोटेन एग का ऑर्डर यहाँ पे स्मेल आएगा, कंसंट्रेशन हाई होगा तो नहीं आएगा। अब 2 to 5% में क्या हो गया, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर इफेक्ट वोमिटिंग, बहुत लंबा समय तक अगर एक्सपोज होता है 2 to 5 में तो उसको वोमिटिंग टेंडेंसी आएगी, आँख से पानी आ सकता है, आँख में इचिंग हो, मतलब स्क्रैच, आँख उसको बार बार स्क्रैच करने का इच्छा करेगा, एयर वे प्रॉब्लम हो सकता है, एयर वे मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, और ख़ास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है जो अस्थमेटिक है पेशेंट हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ही 2 to 5 में ही उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब हम 10 to 20 की बात करें तो फटिक सिम्टम आएगा, मतलब थका थका महसूस करेगा, लॉस ऑफ एपीटाइट, भूख नहीं लगेगी, हेडक होगा, इरिटेबिलिटी होगा, पुअर मेमोरी, मतलब उसको याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा कुछ, डिजिंगनेस हो सकता है। 50 to 100 में अगर इसका देखेंगे तो स्वेलिंग ऑफ व्हाइट पार्ट ऑफ आई, व्हाइट पार्ट का जो आँख का व्हाइट पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, आई लिड में भी स्वेलिंग हो सकता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन तो होगा ही होगा। अब 100 जो है, 100 पे क्या कफिंग सिस्टम आएगा, आई में इरिटेशन होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, थ्रोट में इरिटेशन होगा आफ्टर 1 आवर, एंड डेथ में भी आफ्टर 48 आवर्स। बट यहाँ पे इरिटेशन क्यों होता है, इसका सिंपल चीज़ें हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड पानी से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक है जो कोरोसिव नेचर का एसिड है,
तो उससे क्या होता है, केरोसिन का मतलब वो गलाने लगता है या किसी चीज को डैमेज करता है। तो ये पानी से जैसी रिएक्शन, थ्रोट में इरिटेशन क्यों होता है, आई में इरिटेशन क्यों होता है, या ब्रीथिंग जो एयर वेज है उसमें क्यों होता है, क्योंकि वो जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ पे जाता है तो वहाँ पानी उसको मिलता है, तो पानी से रिएक्शन करके तुरंत वो हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो जाता है और जिसके कारण उसको इरिटेशन चालू होता है। 150 to 300 में देखें तो पल्मरी एडिमा में अकर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, ज़्यादा लंबा समय तक अगर एक्सपोजर हुआ तो उसको पल्मोनरी एडिमा मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। 500 to 700 का अगर आरपीएम उसको मिल गया तो कोलैप्स विद इन 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट्स के अंदर अंदर इसको रेस्क्यू नहीं किया गया तो मर सकता है। 700 to 1000 में अगर जाएंगे तो रैपिड अनकॉन्शियस, तुरंत अनकॉन्शियस हो जाएगा, इमेडिएट कोलैप्स हो जाएगा विद इन वर 2 ब्रेथ, 1 और 2 ब्रेथ लेने में ही, एंड ब्रीथिंग स्टॉप, ब्रीथिंग लेना उसका बंद होगा, और डेथ विद इन मिनट्स, मिनट्स में मर जाएगा वो, और 1000 to 2000 नियरली इंस्टेंट डेथ। तो आपने देखा कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड कितना खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए, अगर इसका एक्सपोजर कहीं गलती से ज़्यादा मिल गया तो आदमी को बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबल प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्लांट, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक्चुअली इसको अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले वैसे एरिया में जहाँ पे कि वेसल्स टैंक एरिया है, और जहाँ का जहाँ पे कि इसका है जो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है या किसी ऐसे केमिकल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है तो वहाँ पे मिल सकता है। हजार्डस ड्रेन एरिया जहाँ ड्रेनिंग सिस्टम है वहाँ पे भी हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। बेल पैड्स या कि जहाँ पे हम लोग गैस का एक्सप्लोर करते हैं, जैसे ONGC गैस हुआ, ये सब करती है गैस का एक्सप्लोर सर, तो उसका बेल जो पैड होता है ना वहाँ से जो निकलते हैं तो वहाँ भी हाइड्रोजन सल्फाइड की संभावना होती है। गैस प्रोसेसिंग एरिया जहाँ पे है वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड मिल सकता है, या जहाँ से गैस सैम्पलिंग लेते हैं उस यूनिट पे भी वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। अंडरग्राउंड वाल पिट में मिलेगा, जहाँ वाल पिट अंडरग्राउंड, बहुत सारे वाल पिट देखे होंगे जो अंडरग्राउंड रहते हैं, वहाँ जाके करना है तो वहाँ जाने के पहले चेक करना हाइड्रोजन सल्फाइड है कि नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम इसमें है। अब सिम्टम की बात करें कि हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सपोजर, अगर उस पार्टिकुलरली कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सपोजर उसको हुआ है, तो वैसे एरिया तो पहले से पता है जहाँ पे कि ये होता है तो हम मालूम रहेगा कि इसको वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का लीकेज होता है। अगर उस केस में किसी को आई इरिटेशन होने लगता है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ पे लीकेज है, या किसी का स्किन में इरिटेशन होता है, सपोज गर्मी के दिन है, पसीने आ रहे हैं और वहाँ पे इरिटेशन चालू हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का वहाँ एक्सपोजर है, हाइड्रोजन सल्फाइड पानी से रिएक्शन कर रहा है पसीने से और हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, तो जिससे इरिटेशन क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म ए बिक एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, इरिटेशन और स्किन इरिटेशन या रिस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होने का एक ही रीजन है कि सल्फ्यूरिक ये अपना हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो पानी से रिएक्शन करके ए बिक एसिड बनाता है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये कब बनता है, जब वो पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है। तो पानी के साथ डिजोल्व होने का ह्यूमन बॉडी में हर एक जगह चांसेस है, तो जिसके कारण उसको क्या होता है, उसको इचिंग और इरिटेशन क्रिएट होता है ड्यू टू इसका कोरोसिव नेचर के कारण। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपने हाइड्रोजन सल्फाइड का करेक्टरिस्टिक को देखा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में देखा, सिम्टम इसका क्या है उसके बारे में देखा, और ह्यूमन बॉडी पे कितने कंसंट्रेशन पे इसका क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में देखा। तो जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रे दबा दें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।